हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज की रेसिपी है ब्लू टी, यानी कि नीली चाय, या फिर इसे अपराजिता की चाय भी कह सकते हैं। इन दिनों काफ़ी वायरल है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट हैं। यह है अपराजिता का पेड़। ये एक बेल वाला पौधा होता है, और इसके फूल, इसके पत्ती, इसके डंठल सभी बहुत ही फायदेमंद होता है। अपराजिता के फूल का उपयोग स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। अगर आप इसके चाय का सेवन करते हैं तो यह सेहत को काफ़ी लाभ पहुंचाता है, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये है अपराजिता के फूल। मैंने यहाँ पे 7 से 8 फूल लिया है 2 कप चाय बनाने के लिए। इसके ग्रीन वाले पोर्शन जो है उसे निकाल लें और इसे अच्छे से वॉश कर लें। अब एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2.5 कप पानी। 2 कप चाय बनाने के लिए 2.5 कप पानी डालनी है, और इसमें बॉयल आने दें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें डालेंगे 6 से 7 अपराजिता के फूल, और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 इंच के दालचीनी के टुकड़े और 1 इंच के अदरक के टुकड़े, और स्लो फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, और इसे कवर करके पकाएंगे, नहीं तो पानी सारा जल जाएगा। और 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये फूल जो है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो फ्लेम को ऑफ कर लें और इसे छान लें। ये हो गया ब्लू टी। इसे आप ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून लेमन जूस और 2 टीस्पून हनी। इसे अच्छे से मिक्स कर ले और छान ले। जैसे आप लेमन डालेंगे देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया है, ये पर्पल कलर का हो गया है। ये बन गया अपराजिता फूल की चाय। इसे अगर मॉर्निंग खाली पेट ली जाए तो इसके काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसके साथ ही वजन घटाने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है ही, हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है, और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी।